मिला मैं तब ब्लॉग्स। तो फ्रेंड आज है 25 दिसंबर और आज है क्रिसमस डे, मेरी क्रिसमस, और आज है तुलसी पूजा। आप लोगों को तुलसी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरा तो पूजा पाठ हो गया कंप्लीट और तुलसी पूजा करेंगी मेरी सास, और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा झड़िया, और अभी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग वही 10 बज गया है और मैं जा रही हूँ झड़िया। मम्मी पहले जा रही हूँ मम्मी के घर, मम्मी घर से फिर जाऊंगी झड़िया। तो चलिए मेरे साथ, और मैं किस लिए जा रही हूँ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पता चल जाएगा मैं किस लिए जा रही हूँ। और देखती हूँ उधर ब्लॉग बना पाती हूँ या नहीं आज, लेकिन हिम्मत जुटा के ब्लॉग बनाऊंगी। तो इतना भी आसान नहीं है मार्केट में ब्लॉग बनाना, बहुत हिम्मत जुटाना पड़ता है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मैं करती हूँ, और आपको मैं झड़िया दिखाती हूँ, हम लोगों का झड़िया कैसा है मार्केट। तो चलिए, और अभी देखिए निकल गई मैं, और सूट पहन ली थी आज, क्योंकि साड़ी पहनकर जाने से थोड़ा सा दिक्कत होता है इसीलिए। और ये साड़ी वही है जो मम्मी पहनी है, जो मैं उस दिन पहनी थी, मतलब स्टार्टिंग की थी वही साड़ी है। तो मतलब एक दिन पहन कर फिर मम्मी को दे दी। देखिए हम लोग ऑटो से उतर गए और अब मैं जा रही हूँ पैदल रास्ते से, और ये रोड पर कुछ इस तरीके से लगा हुआ होता है फ्रेंड। ये हम लोगों का झरिया का मार्केट रोड का है, अंदर में बहुत बड़ा मार्केट है लेकिन अंदर मुझे नहीं जाना है। और देखिए आज क्रिसमस डे है तो उसी के चलते बहुत सारा केक देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पर देखिए सजावट के भी कुछ सामान लगा हुआ है, बहुत जगह लगा हुआ था तो अच्छा लग रहा था फ्रेंड। कोई भी फेस्टिवल में उसी के अनुसार सामान मिलता है मार्केट में, और थोड़ा सा रौनक भी लगता है, अच्छा लगता है फेस्टिवल्स में। और मैं आई थी फ्रेंड यहाँ अस्पताल में, मैं आप लोगों को नहीं बताई थी स्टार्टिंग में, तो भाभी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए मैं आई थी, और मम्मी भी आई है साथ में, हम लोग तीन जन आए हुए हैं झड़िया के लिए। और सोची कि कुछ खरीदते हुए भी जाऊंगी। और यहाँ देखिए ये अमरूद है, ग्वाभा, बहुत बड़ा बड़ा साइज का था, लेकिन मैं अगर ले जाऊंगी घर में तो बच्चे भी खाएंगे और बहुत जल्दी सर्दी जुखाम हो जाता है, इसीलिए मैं नहीं खरीदी थी ग्वाभा। बहुत मन कर रहा था लेने का लेकिन नहीं ली फ्रेंड, बहुत हानिकारक है। और ये देखिए आ गया हम लोगों का अस्पताल, यही इसी बिल्डिंग में मुझे जाना है अभी। हम लोगों का अस्पताल का काम हो गया, और यहाँ मम्मी देखिए गुड़ खरीद रही थी। अभी बहुत सारा आया हुआ है तरह तरह का गुड़ मार्केट में, हमेशा नहीं मिलता है इतना तरह का, लेकिन अभी हर तरह का चूड़ा और गुड़ जो कि सकरात वाला जितना सामान है वो सब तरह का मिलता है। और ये देखिए पतला वाला चूड़ा है, ये चौड़ा है, उससे थोड़ा पतला है, बहुत तरह तरह का चूड़ा था यहाँ पर। तो मम्मी बस गुड़ ली थी क्योंकि चूड़ा हम लोगों को अभी नहीं खाना है जब तक सकरात नहीं होगा, इसीलिए तो अभी नहीं ली थी। और यहाँ देखिए इस तरीके का गुड़ है, तो ये खजूर का है, उधर जो मम्मी ले रही थी वो ईख का था, ये खजूर का है, वो तरह तरह का ही था। और यहाँ पर देखिए कुछ हम लोग और भी खरीदे थे, मम्मी खरीदी थी कुछ कपड़े वगैरह, तो थोड़ा बहुत सूट कर ली थी फ्रेंड। और मैं वहाँ मार्केट में बोलने का बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बोल पाई, बहुत अजीब लगता है कभी, मतलब कभी ऐसे मार्केट में जाकर हम लोग ब्लॉग बनाए कभी नहीं किए ये सब काम, इसीलिए थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी करने का, लेकिन आज तो एकदम ही नहीं कर पाई। मैं बोल कर जाती हूँ कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी पक्का, लेकिन बना नहीं पाती हूँ फ्रेंड। आप लोग समझते होंगे कि एक हाउसवाइफ इतना मतलब हमेशा घर में चार दीवारी के अंदर रहना, फिर अचानक से कैमरे के सामने बोलना, इतना ही इतने में ही बहुत हिम्मत जुटा के बोलती हूँ। अगर मार्केट में कैमरे के सामने बोलने का हिम्मत आ जाएगा तब तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं हो पाता है, बहुत कोशिश करती हूँ फ्रेंड। और यहाँ देखिए सारा काम होने के बाद डॉक्टर वगैरह दिखा ली थी, खरीदारी भी हो गया था, और यहाँ पर चाट खाने लगी, ये मेरा फेवरेट है।
और उसके बाद देखिए ये अभी रात का समय हो गया था। आने के बाद फिर मैं घर वगैरह सफाई की थी, क्योंकि कहीं भी जाने के बाद घर एकदम से अजीब हो जाता है। तो अभी मैं दोपहर में मतलब चावल नहीं बनाई थी आज, रोटी ही बना दी थी मॉर्निंग में, इसीलिए मैं अभी चावल बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं अंडा कड़ी बना रही थी, और एक अंडा जो आपको दिख रहा था प्लास्टिक में बांधा हुआ, वो थोड़ा सा मतलब कि दरक गया था। देखिए वही अंडा है ये फर्स्ट वाला, तो उसको मैं प्लास्टिक से बांध के उसके बाद से उबाली थी, तो अच्छे से हो गया था, नहीं तो वो बिखर जाता। और देखिए अभी मैं 5 अंडा बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं हैं, अभी 2 दिन से कहीं गए हुए हैं, तो इसीलिए मैं कम ही बना रही थी फ्रेंड, नहीं तो फिर हस्बैंड रहते हैं तो 6 अंडा मतलब अंडा करी करती हूँ, तो 6 अंडा का बनाती हूँ। इधर मेरा रिया हेल्प कर रही थी, मैं इधर देखिए फ्राई मतलब करने के लिए डाल दी थी, रिया उधर निकाल रही है, और इधर मैं सिलबट्टे में जो मसाले पीसने हैं वो पीस ले रही हूँ। अदरक लहसुन और हरा मिर्च, थोड़ा सा मैं पाउडर डालती हूँ लाल मिर्च का, और 2 पीस मैं हरा मिर्च भी डाल देती हूँ, ताकि मिर्च ख़राब नहीं हो, साथ के साथ ख़त्म भी हो जाता है। और ये पत्ता वाला जो प्याज था मेरा, उसमें से 2 ली थी, और 2 प्याज मैं डाली हूँ गांठ वाला जो बड़ा साइज का होता है। इसमें मैं कड़ी बना रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा प्याज इसमें ज़्यादा ही जाता है, इसीलिए मैं ज़्यादा ही डाली हूँ। और ये जब तक ग्रीन ऑनियंस मिलता है मार्केट में फ्रेंड, तब तक मेरे हस्बैंड लाते हैं, क्योंकि मुझे पसंद है इसीलिए। और देखिए यहाँ प्याज सुनहरा हो गया था, तो मैं इसमें टमाटर डाल दे रही हूँ, बड़ा बड़ा टमाटर डाली थी 2। और मैं इधर काम कर रही थी, रिया इधर भून रही है, मैं मतलब कि सब डालते जा रही हूँ, बस वो कलछी चला रही है। और ये जो मसाला मैं पीस के रखी हूँ, इसको मैं अभी डाल दे रही हूँ स्टार्टिंग में ही, क्योंकि इसको पहले डालती हूँ, इसको थोड़ा देर भुनना होता है, पाउडर वाले मसाले तो भुना हुआ होता ही है। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ सारे पाउडर वाले मसाले भी डाल दी थी, मैं अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा फ्रेंड, और इसी को मुझे अभी छोटा करते करते बहुत छोटा करना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को कट करके दिखा रही हूँ। और देखिए अब मैं इसमें पानी डाल दी ढेर सारा, क्योंकि चावल बनाऊँगी इसीलिए, और इतना जल्दी उबाल भी आ गया था क्योंकि गर्म पानी डाली थी इसीलिए। और अब अंडे में थोड़ा सा मैं बस इसी तरह होल कर देती हूँ, ताकि अच्छे से ये इसका जो नमक है इसमें अच्छे से आ जाए, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा होल कर देती हूँ। और अंडा डालने के बाद ज़्यादा नहीं उबालती हूँ मैं, बस थोड़ी देर उबालती हूँ। और उसके बाद देखिए अब इसमें मैं धनिया पत्ता डाल दूंगी, और थोड़ा सा मटर भी था तो मैं डाल दी थी, 2-4 मटर के दाने थे तो मैं डाल दी थी, और धनिया पत्ती डाल दी। अब ये मेरा अंडा करी बनके रेडी हो गया है। रोहन को तो दाल पसंद है, इसीलिए मैं थोड़ा सा दाल भी बना दी थी, सभी के लिए बना दी थी। तो यहाँ पर देखिए 2 सीटी लगा कर ये राहर और मसूर दाल है, अरहर की दाल जो बोला जाता है, और मसूर की दाल, इसको मैं थोड़ा सा ही बनाई हूँ, बस रात में खाना है। बस हम लोग 4 जन ही है अभी घर में, तो हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। और क्योंकि तरी भी बनाई थी, कड़ी है वो 1 कड़ी, तो इसीलिए मैं दाल थोड़ा सा ही बनाई हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं कुछ चिप्स छान रही थी, जो उस दिन खरीदी थी 5 रुपये पैकेट दरवाजे के पास, वही चिप्स है, तो चावल के साथ अच्छा ही लगता है। और मैं ज़्यादातर खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ, तो ये चिप्स लेती हूँ मतलब छान देती हूँ। तभी देखिए चिप्स छान कर उसके बाद हम लोग सबको अभी खाना खा लेंगे। और यहाँ देखिए हम लोग खाना बन के रेडी हो गया है, मैं यहाँ खाना निकाल दे रही हूँ सभी के लिए। और रिया का जिद था कि मम्मी कटोरा में करके सर्व करने के लिए, तो मैं सर्व की थी लेकिन वो बाद में बिखर गया था, तो अभी मैं दे दे रही हूँ एक एक पीस करके सभी को, अंडा, थोड़ा सा दाल और थोड़ा सा चावल। रोटी तो मैं बनाई नहीं, क्योंकि रोटी किसी को खाने का मन ही नहीं है आज, दोनों टाइम सब कोई रोटी ही खाया है।
और मैं तो उधर ही चाट खा ली थी, तो दोपहर में मैं रोटी भी नहीं खाई हूँ। और देखिए मेरा खाना, रात का डिनर मेरा रेडी है, आइए आप तो भी खा लीजिए अंडा करी चावल। और हम लोगों का खाना पीना हो गया है ख़त्म, और देखिए आंगन का हाल क्या हो गया है, बर्तन का ढेर लग गया है। तो अभी जा रही हूँ मैं इसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि 8 साढ़े 8 बज गया था, तो पानी अभी आने ही वाला है। तो देखिए बर्तन को मैं साफ़ कर रही हूँ, और ये यहाँ पर देखिए मैं रिया को बुलाई थी कैमरा करने के लिए, तो अभी कैमरा कर रही है। मैं फटाफट धो ले रही हूँ बर्तन, मैं हमेशा धो लेती हूँ फ्रेंड रात में ही, सुबह में कभी कभार, कभी मतलब पानी नहीं आता है तभी मैं रख देती हूँ, नहीं तो मैं हमेशा धो लेती हूँ। और आज संडे है, सैटरडे है सॉरी, तो कल तो थोड़ा सा लेट से ही हम लोग उठते हैं सभी कोई, और मेरे हस्बैंड अगर रहते हैं तो उठना पड़ता है, क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं रहता है, कभी भी वो जाते हैं तो अगर जाना होता है तो उठना ही पड़ता है। तो अगर बर्तन वगैरह साफ़ रहते हैं, किचन साफ़ रहता है, तो फिर काम करने का मन भी करता है। तो देखिए बर्तन साफ़ होने के बाद मैं लगे हाथ किचन को भी धो लेती हूँ रात में, ताकि सुबह उठने के बाद अच्छे से एकदम साफ़ रहे, पूरा अच्छा रहता है, मतलब सूखा हुआ भी रहता है। और सुबह उठने के बाद बस मैं पोछा लगा देती हूँ, पूरे घर को धोना नहीं होता है मुझे। तो बस यहीं पर मेरा ख़त्म हो जाएगा रात का जो रूटीन है काम, बस बेड वगैरह ठीक करना होता है, मच्छरदानी लगाना है रोहन को, फिर मालिश करती हूँ, हो जाता है काम ख़त्म। तो अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को पूरा मतलब बनाने में, तैयार करने में, एडिट करने में बहुत मेहनत। हम लोगों को यहाँ पर नेटवर्क का भी प्रॉब्लम रहता है, तो मुझे तो अपलोड करने में भी बाहर बैठना पड़ता है फ्रेंड, तभी जाकर एक वीडियो अपलोड होता है। तो प्लीज़ मेरे मेहनत को थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, और मुझे सपोर्ट करिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँगी, और अच्छे से कमेंट करिएगा। तो बस